भाग 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 आ गया वो शिव आ गया भाग जल्दी जल्दी बंद कर बंद कर दरवाजा बंद कर बंद कर बंद कर जल्दी कोई हथियार ला जल्दी वो आ गया ए शिव कि तुम लोग औरत हो तुम मंदिर जाओ मैं संभाल लूंगा जाओ बेटा शिवमणि सुनो मेरी बात मैं उसके लिए आया हूँ जिसने मेरे परिवार को चलाया अगर कोई भी बीच में आया तो काट के रख दूंगा बेटा मुझे माफ कर दे मैं तेरे बाप जैसा हूँ बेटा मुझे जाने दे मेरा सब कुछ खत्म हो गया था पुलिस से बचते बचाते मैं दूसरे गांव आ पहुंचा जिंदगी ने मुझे भी दूसरा मौका दिया और वहां मेरी मुलाकात तेरे मामा से हुई क्या हुआ भाई खा लो बेटा ये सब देने से अच्छा है कि तुम मुझे कोई काम दे दो पार्वती पार्वती भैया आने में इतनी देर क्यों लगा दी नानी बार बार तुम्हारे बारे में पूछ पार्वती इसका नाम शिवमणि है इसको मैंने काम पे रख लिया है ये घर के बाहर कोने में पड़ा रहेगा जो हाथ शराब बनाते थे उन्हीं हाथों में तेरे मामा ने बैल और हल पकड़ा दिया क्या भाई नरसिंह तुम्हारी भी जमीन खरीदना चाहता है मेरी नहीं पूरे गांव की जमीन खरीदना चाहता है नरसिंह बहुत जिद्दी है कभी कभी सोचता हूँ जमीन दे दूं मेरी जमीन के बाद उसकी नजर तुम्हारी जमीन पर है ये जमीन मेरे साथ पार्वती की भी है भैया तेरी माँ और मामा ने मुझे इतना प्यार दिया कि दोबारा जिंदगी जीने का दिल किया ये ए मन्नू जवान लड़की घर पे है और ऊपर से तूने एक पराया आदमी को लाके घर पे बिठा दिया अब इससे शादी कौन करेगा चुप नहीं रह सकती क्या मेरे चुप रहने से क्या होगा चुप कराना है तो गांव वालों को चुप कराओ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं नानी बस करो ना नानी का कहना गलत नहीं है भैया हाँ यार घर में एक अजनबी के रहते कौन उससे शादी करेगा मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता मैं चला जाऊंगा उससे क्या होगा गांव वाले चुप हो जाएंगे क्या और कर भी क्या सकते हैं तुम करोगे उससे शादी मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं है पुलिस मेरी तलाश में है जेल जाने के बाद तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब हो सकती है मुझे जाने दीजिए एक मिनट रुको भैया जो आदमी अपने माँ बाप और भाई बहन के लिए इतना सब कर सकता है तो सोचो अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता तुम कौन हो कहाँ से आए हो तुमने क्या किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है पर मुझे तुम जैसा आदमी चाहिए जो मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान रख सके लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं पर मैं करती हूँ यही शिवमणि है यस योर ऑनर इसने इतने लोगों का कत्ल क्यों किया वो आपसी झगड़े थे योर ऑनर वो लोग इसके परिवार को मारना चाहते थे इसने जो कुछ भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए फिर भी इसने अपना क्योंकि वो दंगे जात पात के नाम पे हुए थे वो कोई सोची समझी हत्या नहीं थी इसलिए मुझे कम सजा दी गई
15 दिन की जुडिशियल कस्टडी, शिवमणि की अगली सुनवाई 2 महीने बाद। सजा काटने के बाद मैंने तेरी माँ से शादी की। जब मैं छोटी थी तो डर लगने पर यही आके सोती थी। ऐसा लगता था कि ये मंदिर ही मेरी माँ है। पर अब तुम आ गए हो तो कोई डर नहीं। तुम लोगों के पैदा होने के बाद मैं अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी में गुम होने लगा। तेरे भाई की हत्या के बाद मन किया कि उनके पूरे परिवार को खत्म कर दूं, पर मैं अपने परिवार को फिर से खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं शांत रहा। चिंतामणि पहले सोचता था कि उसका बाप किसी काम का नहीं है, लेकिन अब उसकी नजरों में उसका बाप किसी हीरो से कम नहीं था। लक्ष्मी, बाबा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं ठीक हूं। माँ, बाबा बहुत राउडी है। तो तुझे क्या लगता है तुझमें इतना गुस्सा और हिम्मत कहां से आई होगी? सो जा। मैं वकील साहब के पास जाकर पता करता हूँ कि इस केस से बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है। फिर तो मुझे कचहरी में मिलना। वहीं मिलूंगी, अपना ध्यान रखना। बाबा, हम अपने घर वापस कब जाएंगे? बहुत जल्द जाएंगे मेरी बच्ची। अपने बाबा से किसी बात के लिए झगड़ा मत करना, ठीक है? ठीक है माँ। चिंता, चल पहन ले से, मिलते हैं। लक्ष्मी, माँ को परेशान मत करना। चिंता, आजा। माँ को यहाँ क्यों रखे? हमारी चाचा के घर भेज देते ना। हमारी मदद करने के चक्कर में उनका परिवार पहले से ही अस्पताल में है। अगर माँ वहाँ गई तो वो लोग एक बार फिर से मुसीबत में आ सकते हैं। ये मुसीबत हमें अकेले ही झेलनी होगी। तो माँ को अपने साथ ही ले चलते हैं बाबा। हम पर हमला हुआ तो वो बच जाएगी, परिवार का कोई तो बचेगा, इसीलिए उन्हें वहां छोड़कर आया। मुसीबत सर पे आ जाने के बाद ही तुम लोगों को खुदा याद आता है। तुम लोग उस समय आवाज क्यों नहीं उठाते जब हल निकल सकता है? अरे मैं वकील हूं, कोई जादूगर नहीं हूं जो सब कुछ बदल दूं। आप बदल सकते हैं, आ जाओ। अरे शिवमणि, कैसे आना हुआ? अरे ये कौन है, तुम्हारा छोटा बेटा? हाँ साहब। स्कूल में भर्ती के लिए आए हो? आता हूँ, आओ। क्या बात है? वो नर्सिंग। कौन? जिसने मेरे बेटे की हत्या करवाई थी। हाँ, आगे बोलो। इसने उसे मारा, वो मर गया। बैठ जा। नहीं ठीक है, उसके आदमी हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। हम लोग जान बचाकर यहाँ तक आए हैं। क्या उम्र होगी इसकी? 15 साल। बहुत जल्दी थी। नरसिंह ने मेरे भाई की हत्या की ये बात पूरे गांव को पता थी, पर पुलिस ने नरसिंह के खिलाफ एक केस तक नहीं लिखा। आपने भी तो किया था केस, नहीं दिलवा पाए ना सजा। ए, चुप रहे। नहीं, उसे बोलने दे। ठीक कह रहा। अम्मा रोज फूट फूट के रोती थी और चाहती थी हमें न्याय मिले, लेकिन कोई उसे न्याय नहीं दिलवा पाया, इसलिए मैंने उसे मार दिया ताकि वो शांति से जी सके। ए, बाहर जा, बड़ों की तरह बात मत कर। साहब, उन लोगों ने केस में मेरा भी नाम डाला है। आप कचहरी में साबित कर दो कि सब कुछ मैंने किया, इसका कोई हाथ नहीं है। पागल जैसी बातें मत करो शिवमणि, वो तुम्हारे साथ एकदम सुरक्षित है। तुम इस केस में अगर जेल चले गए तो इसकी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाद वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे? अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो कल जाकर दोनों कोर्ट में सरेंडर कर दो। साहब, जेल जाने के लिए वो बहुत छोटा है। जानता हूं, नाबालिग है। सरकार उसे बाल सुधार केंद्र में भेज देगी। वो वहां के जेलर के साथ मेरी अच्छी जान पहचान है, उसे कह दूंगा, वो ख्याल रखेगा। आप क्या सोच रहे हो? बस आपने कह दिया तो कोई चिंता नहीं है, अब बात कर लीजिए।
आ जाओ आके खाना खा लो। ओ बड़े भाई जाओ कुछ खा लो, कल अपने बाप को ठीक तरीके से कोर्ट में ले आना। चलो सब लोग, सिर्फ अर्जी दाखिल करने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। बार बार ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है, इस बार ढोल को फाड़ना ही पड़ेगा, तब कुछ बदलेगा। तू एक जाना माना शिकारी है और तू कह रहा है कि उसे ढूंढ नहीं पाए, तेरी बात पर यकीन कैसे कर लूं मैं? वो जंगल को अच्छे से जानता है लेकिन मुझसे बच नहीं सकता। कहीं जानबूझ के तो नहीं छोड़ दिया उसको? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा। सोने की प्लेटों फिर भी कुत्ता चाट के खाएगा। कुत्ता किसे बोला मैं? देख वेंकटेश, तेरे बाप का मेरे ऊपर एहसान है इसीलिए मैं उस पर तरस खा के छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसकी बोटी बोटी कर दूंगा। अपनी औकात देख बे, ए मुंगेरी समझा इसको, मेरी औकात देखेगा? इसने जानबूझकर छोड़ दिया उसे। इसे माफ कर दो, अपन राजू होटेलर से काम करा लेंगे। मेरे को मत सिखा, कब और किससे काम कराना है वो मैं देख लूंगा। बैठ। हेलो भाई, अभी अभी शिवा की पत्नी कचहरी आई है। इसका मतलब उसका बेटा भी आएगा, तू नजर रख। केस नंबर 201 और 212 हाजिर हो। नमस्ते मुत्तो कुमार। हा? पिता का नाम? मनोज कुमार। नंदू यादव। ए, यहां कड़ी क्यों बनाई है? सर ये चार बार भागने की कोशिश कर चुका है। तो इसे कोर्ट से बाहर ले जाओ। अरे पार्वती जाओ। जी साहब जी। शिवमणि कहाँ है? उन्होंने कहा था यहीं आएंगे, आते ही होंगे। ठीक है जाओ। बाबा क्या हुआ? चप्पल दिला दो ना। कितने की है? 30 रुपए। कोई अच्छी दे दे। ये देखो ये मस्त है, पहन के देखो। पहन के देख। सही है बाबा। ए मनु मामा, यहाँ कैसे? किसी से मिलने आया था। ठीक है संभल के जाना, वो जरूर आएगा। कहाँ है वो? आ रहा है, नाम पुकारने वाले हैं। बस आता ही होगा। सारे छोकरे लोग आ गए? आ गए। नजर रखना, बचने ना पाए। क्या रे, बम साथ लेकर आया? जाकर उसे गड्ढे में फेंक। क्या रे, अदालत में क्यों आया तू? यहाँ पे क्या काम है तेरा? जरूरी काम था साहब। अच्छा, तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है क्या? अरे बस क्या साहब, आप बम मत फेंकना। अच्छा अच्छा सर, आइए खाना खाइए, मेरा क्लाइंट आने वाला है, आने में थोड़ी देर होगी। चलेगा, खाना खाइए। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं आप खाइए। फाइन जा रही हो? तारीख पे आई हूँ साहब। ठीक है जाओ। सुन बे, अगर वो बच के निकल गया तो नरसिंह का भाई हमारी खटिया खड़ी कर देगा, हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपके रहते शिव मनी तो क्या एक मच्छर तक नहीं गुजर सकता है। चढ़ा मत बे। अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। ए, बाहर देख। यहां नहीं है। अरे ये क्या? फाइल लो मेरी। साहब जी,
उसे क्या वकील समझ रखा है मेरी तरह से? मैजिस्ट्रेट है, नहीं रुकेगा वो। कहीं फंस गया। मैंने उसे कहा था कि आज कोर्ट आ जाना, लेकिन वो नहीं आया। मजाक बना दिया तुम लोगों ने। मेरा बैग अंदर रख दो। ठीक है सर, बस थोड़ी देर रुक जाते। और वो फाइल लेना। शक्ल नहीं देखनी उसकी मुझे। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें वकील के नहीं, अब दुआओं की जरूरत है। साहब, कोर्ट में बहुत खतरा था। देखो, अंदर तो बिल्कुल ही मत आना तुम। आज कोर्ट में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी गई। तुम तो अब बड़े आदमी हो गए हो ना, मेरी क्या जरूरत है? चले आते हैं बेकार में परेशान करने के लिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? उन्हें पता चल गया था कि हम लोग कचहरी आने वाले हैं। उन्होंने हमें देख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि अदालत में कोई भी दंगा फसाद हो। इस मुसीबत से आप ही हमें बचा सकते हैं। अब मैं कैसे बचा सकता हूँ? हमारे पास एक जमीन है जिस पर उनकी नजर है। मैं उन्हें वो जमीन दे दूंगा। सिर्फ इंस्पेक्टर से बात करके मेरे बेटे को केस से बचा लीजिए। जज साहब ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। नर्सिंग मर्डर केस। सर, एक्यूज इज द माइनर, दैट इज द वाई, द प्रॉब्लम इज द केस इज द। एक मिनट, ये कोर्ट है, हिंदी में बात करो सर, ताकि मुझे भी समझ में आए। सॉरी सर, सॉरी सर, जिसकी हत्या हुई वो पहुंचा हुआ आदमी था। मान लिया, लेकिन जो कोर्ट में सरेंडर कर रहा है उसी को क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारा इस केस से क्या फायदा है? सर, नर्सिंग का परिवार उस लड़के को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे मार सके। अपनी इज्जत के लिए वो कुछ भी करेंगे। उसे बचाना मेरी ड्यूटी है सर, दैट्स द वाई। इन सब के पीछे शिवमणि की जमीन ही है, बात सही है ना? सर, अगर वो पहले ही दे देता तो दो लोगों की जान क्यों जाती? उनसे कहो इसके लिए पंचायत से बात करें। सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? देखो, उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो पंचायत में जमीन लेकर इसको यहीं खत्म करें, या फिर शिवमणि के बेटे को मारने की कोशिश में नरसिंह का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। इसका भी अंगूठा लगवाओ। हाँ हाँ, तुम भी लगाओ। अब तुम सब लोगों को पंचों की बात माननी होगी। हमने तो पहले भी मानी थी। तुझे कुछ कहना है? अपन पहले ही बोल चुका है, अपन राजी है। तुम लोग फैसला सुनाओ। साहब, गांव के हजारों लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, जिससे गांव वाले और उनके बच्चे भूखे नहीं मरते, और पंचायत है कि इनकी तरफदारी की जा रही है। ए सुब्बा, चुप बैठना तू। हम यहाँ मामला उलझाने नहीं, सुलझाने के लिए आए हैं। तू जबरदस्ती की बात बढ़ा रहा है। पंचायत का फैसला हम लोग मानेंगे। तो तय हो गया, इनके पास यही जमीन थी। नरसिंह की मौत के बदले शिवमणि जमीन दे रहा है, और किसी की मौत का हर्जाना जमीन नहीं होती। जबकि शिवमणि के बड़े बेटे को मरवाने की वजह से ही नरसिंह की मौत हुई। न्याय तो ये कहता है कि तुम्हें शिवमणि को हर्जाना देना चाहिए। छोटे बेटे को बचाने के लिए वो अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर रहा है। देखो, तुम इस केस को खारिज कर देना। जी सर। इस मर्डर की जिम्मेदारी शिवमणि ले रहा है। अब इस हत्या को लेकर कोई भी उसके छोटे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। एक काम करो, इसके बेटे को बोलो कि आके हमारे पैर पड़े। हैं? वो जमीन भी दे और तुम्हारे पैर भी पड़े? वो ऐसा करेगा तो केस बंद कर दोगे? बिल्कुल नहीं सर। तो बोलो ना इन लोगों को। मेरा बेटा किसी के पैर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ उसे पंचों के सामने बुलवा लो। अरे वहाँ पुलिस वाले भी बैठे हैं, यहाँ उन्होंने पकड़ लिया तो। अरे मन्नू, कैसी बात कर रहा है तू यार, मुझ पर भरोसा रख। भरोसा और पुलिस वाले पर? अरे तुम लोग घबराओ मत, हमारी तरफ से तुम लोग बेफिक्र रहो, लेकिन पुलिस वालों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। शिवमणि को बोलो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, कानूनन जमीन हमारे नाम नहीं होगी। हाँ, मेरे को मालूम है, किसके नाम करना है? दगड़ू, हमारा नौकर, इसके नाम पर कर दीजिए। ए चिंता बड़ी बेटा, किधर जा रहा है? अरे तुझसे ही बात कर रहा हूँ, किधर जा रहा है? थोड़ा घूम के आता हूँ। चुपचाप बैठ जा, कहीं मत जा। पेशाब करने जा रहा हूँ। दूर मत चले जाना। बहुत मेहरबानी साहब। रो मत, ये तुम अपने बेटे के लिए कर रही हो, जाओ। चलो, काम खत्म हुआ। साहब, बढ़िया आसानी से ये लोग मान गए। हाँ, चिंता तो मुझे भी हो रही है, होशियार रहना। तुम सरेंडर करने तक अपने बेटे को बचा कर रखो। एक काम करो, लेके वहीं पहुंचा। अपने बेटे को सुरक्षित जगह पहुंचा कर मुझे मेरे घर पर मिलो।
अभी जाना जरूरी है क्या? एक रात रुककर कल सुबह चले जाते? नहीं, जाना जरूरी है। जाने से पहले चिंतामणि को समझा देना, उसको कहना रोज स्कूल जाए। ठीक है। हम लोग पंडित जी से कहकर एक पूजा करवा लेते हैं, ये भला टले। ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करे। तुम उसको यहीं छोड़ के गए थे ना? छोड़ा तो यहीं पर था, पर वो एक जगह रहता कहाँ है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। पंडित जी, चिंतामणि कहाँ है? अरे पेशाब करने गया। चिंता, ए मनु मामा, कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चले गए? दगड़ू, अब तुम्हें क्या चाहिए? जमीन तो दे दी ना। अरे जमीन मुझे नहीं चाहिए, ये लो। क्या? ये लो कागज। मैंने पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए काम किया, यहाँ तक कि अपना हाथ भी गवा दिया, बदले में मुझे क्या मिला? वो लोग मेरे ही जान के दुश्मन हो गए हैं। जब तुम लोग पंचायत में थे ना, उन लोगों ने चिंतामणि को पकड़ लिया था। जिस जगह तेरे बेटे ने नरसिंह को मारा था ना, उसी जगह उसे पटक पटक कर मार रहे हैं। जा, उसे बचा ले। अपने लोगों को इकट्ठा करो। इतनी जल्दी मार देगा क्या? इस पिल्ले को तड़पा के मारूंगा। वेंकटेश, इसे इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहा है? जब मेरे भाई को मारा था तब चुपचाप तमाशा देख रहा था, अब क्यों मुंह फाड़ रहा है? तुम पंचों का अपमान कर रहे हो। अरे पंचायत की इज्जत को अपनी जूती पर मारता हूँ, आज इस पिल्ले का मरना तय। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं गांव का मामला है, आज के बाद हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अरे अगर तुमने पंचायत की बात नहीं मानी तो तुमको और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव वालों, इसके मामले में मत पड़ना, इस पूरे परिवार ने गांव के नाक में दम कर रखा है। चलेंगे। इसे यहाँ से जाने दे। अपने आदमियों को बोल। मैं मर जाऊँ चलेगा, पर इसे छोड़ना मत। Yeah.
रुको 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 रुको, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बस तुम्हें हमारे लोगों को छोड़ना होगा। अगर तुम लड़ने नहीं आए तो ये हथियार लेकर क्यों आए हो? वो एक बच्चे को मारने के लिए गुंडे लेके आता है और तुम लोग खड़े होकर देख रहे हो जैसे कोई नाच गाना चल रहा है, और हम लोग हथियार भी ना लेके आए। ये दो परिवारों के बीच की लड़ाई है, उन्होंने हम लोगों को मारा है तो हम लोग उन्हें छोड़ देंगे क्या? तुम्हारे परिवार से तो एक ही मरा है, यहाँ तो बहुत मरे। ये भी हमारी गलती है क्या? पंचायत का फैसला किसने तोड़ा? ये देखो बच्चे का क्या हल किया उन लोगों ने, मर ही जाता वो। तुम अपने निजी मामले को जात पात में बदल रहे हो, ये ठीक नहीं है। अंजाम जानते हो? जब ये लोग बच्चे को मार रहे थे तब तुमने उन लोगों को क्यों नहीं रोका? तुम कैसे कह सकते हो हमने नहीं रोका? अगर तुम्हें लगता है ये दो परिवारों के बीच की लड़ाई है तो जाने दो, अगर तुम्हें इसे दो जातियों के बीच की लड़ाई बनानी है तो हम भी तैयार रहेंगे। फिर तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ये मतलब बिल्कुल। उस दिन गाँव के लोगों ने फैसला किया कि वो अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटा देंगे और खून खराबा नहीं होने देंगे, और एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहेंगे।